हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपना क्वारंटाइन लिपस्टिक कलेक्शन। सो यहाँ पे मैंने अपनी ये मेरी कुछ लिपस्टिक्स का कलेक्शन है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सो फर्स्टली आई वांट टू शेयर समथिंग बिफोर दिस। सो सबसे पहले मैं आपके साथ ये शेयर करने वाली हूँ कि वॉट आई मीन बाय क्वारंटाइन लिपस्टिक कलेक्शन। सो क्वारंटाइन लिपस्टिक कलेक्शन का मेरा मतलब क्या है कि इसमें वो सारी लिपस्टिक, एज यू ऑल नो मे बी कि अभी मैं अपने होम टाउन में आई हूँ तो यहाँ पे मेरे पास कुछ लिपस्टिक्स है, इसके अलावा भी मेरे पास बहुत सारी हैं जो कि मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है। सो इस क्वारंटाइन टाइम में जो मेरे पास है, जो मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल है, जिससे काम चला के या जिसे यूज़ करके मैं अपनी वीडियोज़ को क्या कर रही हूँ, मैं शूट कर रही हूँ, वो सारी लिपस्टिक्स ही मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो यार यहाँ पे मेरी ये सारी लिपस्टिक्स हैं जो कि कुछ यहाँ पे पड़ी थी पहले से एंड कुछ मैं वहाँ से लाई थी, पता नहीं क्या सोच के। सो या यही कुछ लिपस्टिक्स हैं एंड ये फर्स्ट टाइम है जब मैं कोई अपना ऐसा कुछ टाइप का कलेक्शन वीडियो दिखा रही हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हो, अगर मेरा फुल लिपस्टिक कलेक्शन देखना अगर चाहते हो, सो आफ्टर लॉकडाउन ही वो आप देख पाओगे, तो उसके बाद ही मैं आपके साथ वो वीडियो शेयर कर सकती हूँ। एंड अगर आप मेरा क्वारंटाइन स्किन केयर भी देखना चाहते हो, सो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, मैं ज़रूर ज़रूर बनाऊंगी वो वीडियो कि मेरा भी मैंने या फिर आप क्वारंटाइन और क्या कहना, क्वारंटाइन मेकअप कलेक्शन अगर आप देखना चाहते हो तो आप मुझे बता देना। सो यार चलिए वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। वैसे ही बहुत बोल चुकी हूँ, एक मिनट समथिंग मैं बोल ही चुकी हूँ। तो यार चलिए वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। एंड वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना एंड सामने जो नोटिफिकेशन जो बेल जो है उसे भी हिट करना बिल्कुल मत भूलना। अगर सब्सक्राइब कर चुके हो तो थैंक यू सो मच। चलिए बैठते हैं वीडियो में। तो सबसे पहले मैं ये जितने भी ये जो लिपस्टिक्स हैं कुछ वो सब निकाल लेती हूँ, सो देन मैं आपको एक वन बाय वन सारी दिखा पाऊँ। सो बहुत ज़्यादा कम भी नहीं है एंड बहुत ज़्यादा भी नहीं है। सो यही हैं कुछ लिपस्टिक्स। सो चलिए मैं आपको वन बाय वन दिखाती हूँ। सो या सो इस पूरे कलेक्शन में से जो मेरी सबसे ज़्यादा फेवरेट लिपस्टिक है एंड मैंने इसे बहुत पहले लिया था, आई थिंक 1.5 साल या 1 साल पहले, जब मैं वीडियोज़ नहीं बनाती थी, यूट्यूब पर नहीं थी, तब मैंने इसे लिया था। तो ये है NYB की ये क्रेयॉन एंड इसका शेड है बैड गाइज चॉइस 4 एंड ये बहुत ही प्यारा न्यूड पिंक कलर है। स्क्रीन पे कुछ और दिख रहा है लेकिन रियलिटी में ये कुछ और है, इस टाइप के कलर है, बहुत बहुत प्यारा। एग्जैक्ट कलर जो है वो स्क्रीन जो कैमरा जो है वो पिक नहीं कर रहा है लेकिन ये बहुत ज़्यादा प्यारा कलर है एंड आई थिंक ये अंडर 100 रुपीज़ मिल जाती है। सो या सारी लिपस्टिक का प्राइस या तो मैं बता दूंगी या फिर स्क्रीन पे आपको दिख जाएगा, सो डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। सो या एंड नेक्स्ट जो लिपस्टिक जो है जो मैंने इसी के साथ ही मैंने परचेस की थी वो है ये NYB की ये लिपस्टिक एंड इसमें ये रेडिश मरून एक्चुअली कलर है एंड इसका जो नंबर जो है वो 4 यहाँ पे लिखा हुआ है, बाकी एग्जैक्ट मेरे को नहीं दिख रहा है कहीं पे। या ब्रॉडवे वेव 4 इसका जो शेड है वो ब्रॉडवे 4 एक्चुअली मैरून काइंड ऑफ शेड है जो कि मुझे इतना कुछ पसंद नहीं है। सो क्योंकि मैं डार्क लिपस्टिक्स की फ़ैन नहीं हूँ बहुत बड़ी वाली, सो ये लिपस्टिक जो है वो मैंने अपनी मम्मा को देके गई थी एंड सेम इसी बुलेट फॉर्म में मेरे पास एक पिंक बहुत प्यारा है, क्रीम मैट एक्चुअली। सो इसमें मेरे पास पिंक कलर है जो कि मेरे पास एंड ये मैरून कलर जो है वो मेरी मम्मा को मैं देके गई थी। तो अगेन ये लिपस्टिक जो है इसका पिंक शेड जो मेरे पास है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। एक्चुअली ये पूरी तरीके से मैट नहीं है, ये क्रीम मैट है एंड इसमें बहुत ज़्यादा शाइन है लेकिन ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है इसका जो पिंक शेड जो मेरे पास है एंड मैं इसे बहुत ज़्यादा यूज़ की हूँ बहुत ज़्यादा। ये भी मैंने यूट्यूब को स्टार्ट करने से पहले ही परचेस की थी। सो देन इसके बाद में मेरे पास जो मैंने पहले परचेस की थी मैं वही सब पहले आपको शेयर कर रही हूँ। सो नेक्स्ट लिपस्टिक जो है वो मेरे पास है ये SQ Badass की लिपस्टिक एंड ये लिपस्टिक और इसका जो पिंक शेड जो है वो मैंने लिया था साथ में
लेकिन इसका जो पिंक शेड जो है वो मुझे इससे ज़्यादा पसंद है, बल्कि इसका प्राइस जो है वो ज़्यादा है। ये आई थिंक 120 to 150 समथिंग की आपको मिल जाएगी, एंड ये जो थी इसका प्राइस 265 रुपीज़ समथिंग है। एंड इसका शेड पता नहीं क्यों, मैं ना जब मैंने यूट्यूब वगैरह स्टार्ट नहीं किया था 1 साल पहले तक, मैं पिंक फैन थी, पिंक लिपस्टिक की फ़ैन थी, तो मेरे पास पिंक लिपस्टिक का कलेक्शन है पूरा, कि इससे थोड़ा डार्क पिंक, इससे थोड़ा लाइट पिंक, सारी पिंक लिपस्टिक है। तो ये एक्चुअली ये जितना पिंक दिख रहा है वो उतना पिंक है नहीं। मैं इसका थोड़ा सा ये नेक्स्ट वाला, ये सो अगेन ये बहुत प्यारी एक लिपस्टिक है, एंड शेड इसका सेंट विथ सिनर्स लिप्स 8 ऐसा कुछ इसका शेड डला हुआ है। सो या एंड उसके बाद में मैं आपको दिखाना चाहूँगी मेरी फर्स्ट एवर लिपस्टिक, बहुत पहले की जो मैंने फर्स्ट लिपस्टिक ली थी वो इस टाइप की, एक्चुअली एग्जैक्ट ये वो वाली नहीं है, इसमें ये समथिंग ये 35 रुपीज़ की तब मिलती थी। ऐसे में मैंने एक पिंक कलर लिया था जो कि मेरे पास अभी भी है, लेकिन मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। उसके बाद में मैंने ये वाला दूसरा, यही सोच के उस ऐसे ही टाइप की मेरे पास पिंक थी, एंड ऑरेंज का जब ट्रेंड चला था तो ऐसे ही मेरे पास एक ऑरेंज थी जो पता नहीं कहाँ मिसप्लेस हो गई थी, क्योंकि बहुत टाइम हो चुका है। एंड पिंक जो है इसमें वो मेरे पास है, एंड इसके बाद में मेरा पता नहीं क्यों एक बार मन किया था कि ये लिपस्टिक इतनी ज़्यादा स्मूथ एंड इतने ज़्यादा प्यारी वाली थी, वो कुछ मेरे पास जो इसमें अच्छा जो कलर है जो मेरे पास अभी भी पड़ा हुआ है वो कुछ फूशिया टाइप कलर है। उसके बाद में मैंने जब इसे परचेस किया था तो ये जो मुझे मिली थी इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है जितनी वो 35 रुपीज़ की लिपस्टिक की क्वालिटी थी। दिखती सेम थी तो आई थॉट कि ये भी अच्छी होगी, बट ये अप्लाई करने में पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा हार्डली अप्लाई होती है, बाकी कलर तो इसका भी आई थिंक सेम ही है। या एंड पैकेजिंग भी डिफरेंट है इसकी। सो या नेक्स्ट जो मेरी लिपस्टिक जो है, पहले मैं आपको सारी वो लिपस्टिक दिखा रही हूँ जो मेरी पहले पहले की है, एंड उसके अकॉर्डिंग ही मैं आपको आगे की दिखा रही हूँ। सो नेक्स्ट लिपस्टिक जो है वो मेरे पास ये है NYN की, एंड ये मैंने लोकल मार्केट से परचेस की थी, एंड ये जस्ट 50 रुपीज़ की थी। एंड यू कैन सी ये भी कुछ पिंक काइंड ऑफ ही कलर है। मैक्सिमम जितनी भी लिपस्टिक्स जो हैं स्टार्टिंग की वो आपको सारी पिंक ही मिलेंगी जो मैंने स्टार्टिंग में ली थी, बट इसका कलर काफ़ी अच्छा है, सारे पिंक ही है, इससे थोड़ा मैच होता है, बढ़िया क्वालिटी अच्छी है। 50 रुपीज़ की जैसे मैंने ली थी लोकल मार्केट से, आप देख सकते हैं यहाँ पर प्राइस भी लिखा हुआ है अगर आपको दिख रहा हो तो। या तो नेक्स्ट मेरे पास जो लिपस्टिक जो है वो है ये 7 कलर की लिपस्टिक, 7 कलर की, या 7 कलर्स का ब्रांड है। एंड इसका जो कलर जो है वो आप देख सकते हैं कुछ कोरल काइंड ऑफ कलर है, ये पूरा पता नहीं क्यों ये पिंक दिख रहा है बट ये कोरल कलर है। इधर मैं आपको इसको, ये कोरल काइंड ऑफ कलर है एंड ये काफ़ी अच्छा है, लेकिन मैंने आज तक इसको कभी पूरा अप्लाई नहीं किया, सिर्फ मैं इसे थोड़ा ऐसे ऐसे टैप टैप करके ही अप्लाई करती हूँ। एंड अभी भी मैंने अपने लिप्स पे यही वाला अप्लाई किया हुआ है, इसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, पता नहीं मैं इसे कैसे ख़त्म करूँगी। एंड इसकी एक्सपायरी भी 21 की ही है। सो या सो नेक्स्ट लिपस्टिक जो है वो मैं दिखाना चाहूँगी, नेक्स्ट लिपस्टिक जो, ये दोनों लिपस्टिक्स हैं नेक्स्ट मेरे पास, एंड ये मैक की ड्यूप है, एंड दो हैं, एक का कलर जो है वो पिंक है, थोड़ा सा पिंक है, एंड एक का कलर जो है वो है कोरल काइंड ऑफ, ये न्यूड है थोड़ा सा। तो मैं दोनों का आपको थोड़ा सा स्वेचेस दिखा देती हूँ। सो ये एक है, ये पिंक कलर है, काफ़ी प्यारा कलर है ये, ठीक है। एंड नेक्स्ट जो है ये कोरल, अच्छा कलर है वैसे। नेक्स्ट ये कोरल आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, इसे मैं यूज़ नहीं करती हूँ और ना ही मैंने इसे इतना कभी यूज़ किया है, पता नहीं क्यों इसकी जो फ्रेग्रेंस जो है ना वो मुझे इतनी पसंद नहीं है, सो इसलिए मैं इसे नहीं यूज़ करती हूँ। इसी के साइड में मैं आपको दिखा देती हूँ,
ये भी काफी प्यारा ऑरेंजिश कलर है। सो सो ये दो हैं मैक की तरफ से। ये आई थिंक जब आई थी 100 रुपीज़ समथिंग की, लोकल मार्केट से ही मैंने ये परचेस की थी। एंड देन आया था हुदा ब्यूटी का फैशन। जस्ट वेट, मैं एक चीज़ भूल गई। सो नेक्स्ट है मेरे पास ये हुदा ब्यूटी की ये वाली लिपस्टिक, जो कि अगेन शेड वगैरह का इसका मेरे को कुछ पता नहीं है। एक्चुअली क्या है, मेरी एक फ्रेंड है, उसने पूरा स्नैपडील वगैरह पर पूरे सेट वगैरह मिलते थे जब ड्यूप हुदा के। उसने पूरा सेट मंगवाया था। उसने मेरे को कहा कि तेरे को ये शेड चाहिए। आई वॉज लाइक या दे दे मुझे पिंक कलर, ऐसे ही मुझे कलेक्ट करने का शौक है। मैंने इसकी लिपस्टिक ले ली। या ये कलर ही मैंने लेकिन ज़्यादा यूज़ नहीं किया है, इसका बॉन्ड काफ़ी मेरे को बड़ा लगता है। एंड फ्रेग्रेंस पता नहीं क्यों, ये ड्यूप लिपस्टिक जितनी भी आती है ना, उसकी फ्रेग्रेंस इतनी टॉफी टॉफी टाइप आती है कि मुझे नहीं अच्छा लगता इसे। एक दो बार वक्त मैंने हाँ इसे यूज़ किया है। कलर इसका काफ़ी प्यारा है, यू कैन सी फूशिया कलर है ये इसका। या अच्छा है ये। एक्चुअली ना पहले तक ऐसा रहता था कि मुझसे ना लिक्विड लिपस्टिक जो है ना वो अच्छे से लगती ही नहीं थी। तो भले ही चाहे मेरे पास जितनी भी लिक्विड लिपस्टिक्स यहाँ पे होंगी, मैंने उसे लगाया ही नहीं क्योंकि मुझसे अच्छे से लगती ही नहीं थी लिपस्टिक्स लिक्विड। या देन इसके बाद में नेक्स्ट है मेरे पास ये हुदा की। ये मैंने यही लोकल मार्केट से ली थी। इसका कलर जो है पता नहीं कौन सा कलर है, कलर आप देख सकते हैं इसका। आई थिंक इसका कलर काफ़ी अच्छा है। एंड इसमें भी अगेन वैसे ही टॉफी वाली स्मेल है। एंड मैंने इसे एक बार यूज़ किया है, देन मैंने इसे नहीं यूज़ किया है। यू कैन सी इसका कलर काफ़ी अच्छा है। उसके बाद में अगेन एक हुदा की मेरे पास है ये वाला कलर। ये वाला कलर मुझे थोड़ा अच्छा लगता है एंड मैंने इसे 2-3 बार मैंने इसे यूज़ किया है, ज़्यादा नहीं लेकिन मैंने इसे 2-3 बार यूज़ किया है। एंड ये शेड जो है वो मेरे फ्रेंड्स वगैरह को भी काफ़ी ज़्यादा पसंद है। पता नहीं यार ये क्यों स्क्रीन पे ये सब पिंक ही दिख रही है, लेकिन ये थोड़ी डिफरेंट काइंड ऑफ कलर है। बहुत प्यारा वाला ये पिंक है एंड मुझे ये अच्छा लगा था। एंड मैं जब भी ये कलर अप्लाई करती हूँ तो मुझे कॉम्प्लीमेंट्स मिलते ही हैं। देन मेरे पास एक ये लिपस्टिक है, ये मालियाओं की, ये रेड है जो कि मैं यूज़ ही नहीं करती। ये मेरी मम्मा की, एक्चुअली मेरी नहीं, मेरी मम्मा की है। नेक्स्ट इसके बाद में मैं और मेरी फ्रेंड दोनों ने मिलके ये लिपस्टिक एक ली थी, ये ADS की। ये बहुत 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 प्यारी लिपस्टिक है। एक्चुअली मेरे पास उस टाइम में, ये मेरी यूट्यूब के पहले की है, तो उस टाइम में मेरे पास आई थिंक यही एक न्यूड कलर था, थोड़ा पिंक से डिफरेंट, क्योंकि मेरे पास सारे पिंक की बरसात लगी पड़ी है, कुछ मेरे पास पिंक के अलावा नहीं था। तो ये एक कलर था एंड ये बहुत प्यारा न्यूड कलर है, बहुत प्यारा न्यूड कलर है। एंड इसे हमने लोकल मार्केट से 150 रुपीज़ का परचेस किया था। आई थिंक सस्ती मिलती है ADS की, पता नहीं बट हम लोगों ने क्यों 150 रुपीज़ देकर, बट पता नहीं क्यों हम लोगों ने 150 रुपीज़ देकर ये लेके आए। देन मेरे पास ये एक लिपस्टिक है, ये फेंटी ब्यूटी की। देन मेरे पास ये एक फेंटी ब्यूटी की है। एक्चुअली मेरे पास ये दो है, ये मैंने लोकल मार्केट से ली थी। 60 60 रुपीज़ है इसमें प्राइस भी लिखा है। 60 रुपीज़ की मैंने ली थी एंड वो भी, एंड मुझे ये पर्सनली जितनी भी ड्यूप है ये फेंटी ब्यूटी की भी है, अफकोर्स ये ड्यूप भी है क्योंकि बेस्ट ड्यूप है। तो ये बहुत प्यारा ये कलर है, ये तो स्क्रीन पे भी अच्छा ही दिख रहा है बहुत ज़्यादा। बहुत प्यारा कलर है। ऐसे में ही एक मैंने दूसरा भी फेंटी ब्यूटी का लिया था। एंड यू नो चाहे मेरे पास जितनी भी इतनी सारी मेबलिन वगैरह बहुत सारे ब्रांड्स की लिपस्टिक है, बट ये वाली जो लिपस्टिक जो है वो बाहर पड़ी हुई रहती है कि मैं कहीं पर भी जा रही हूँ तो मैं ये वाली अप्लाई करके चली जाती हूँ। क्योंकि मुझे ये एंड इसका एक और शेड मैंने लिया था, मुझे दोनों ही बेहद 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 पसंद है।
सो या बहुत अच्छी है, बहुत 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 बहुत, एंड मैंने बहुत सारे वीडियोस में भी इसको अप्लाई किया है. सो एंड इसका ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा बकवास वाली क्वालिटी है, क्वालिटी भी इससे बहुत ज़्यादा अच्छी है. सो या मुझे ये बहुत ज़्यादा बहुत 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 ज़्यादा वाली पसंद है. इसकी दूसरा भी, अगर मैंने कभी अगर आपके साथ अगर ना अगर अपना लिपस्टिक कलेक्शन जो है वो अगर मैंने शेयर किया, तो इसका दूसरा वाला आपको इसका देखना के लिए मिलेगा, देखने के लिए मिलेगा. सो नेक्स्ट है ये मेरे पास इन कलर की है मैट मी. इसमें मेरा नंबर जो है वो 21 है, एंड इसमें से इन कलर मिटर चुका है, एंड ये भी काफ़ी प्यारा कलर है. एंड इसमें से टॉफ़ी वाली स्मेल नहीं आती है, इसमें टॉफ़ी वाली स्मेल नहीं आती है. सो इसलिए मैंने इसे बहुत बार अप्लाई की हूँ. यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ इसका. कैसे ये मैंने स्वेच किया, ये कलर है पिंक, काइंड ऑफ ही कलर है, पिंक टाइप का ये भी कलर है, पिंक कलर, ये पिंक की दीवानी हूँ मैं और आजकल न्यूड की. सो नेक्स्ट जो है, अब मेरे पास थोड़े डिफरेंट कलर्स आते हैं अब, क्योंकि मेरे पास थोड़ा दिमाग आ गया, तो अब मेरे पास थोड़े डिफरेंट डिफरेंट कलर्स है. सो ये है NYB की लिपस्टिक, एंड NYB की जितनी पैकेजिंग होती है ना, मैंने उसको नोटिस किया कि उसका नेम जो रहता है ना वो काफ़ी बहुत जल्दी रिमूव हो जाता है. सो ये इसमें मेरा जो शेड जो है वो है प्ले ऑफ कंटेंडर टू, या प्ले ऑफ कंटेंडर टू. सो ये इसमें मेरा शेड है, एंड ये ऑरेंज कलर है, ये ऑरेंज कलर या फिर कह सकते कि रेड एंड उसमें ऑरेंज का टिंट या फिर ऑरेंज ही कलर है. कहाँ दिखाऊँ, यहाँ दिखा देती हूँ. बस मुझे इसमें एक ही चीज़ वो लगती है कि इसका वॉन्ड जो रहता है ना, मुझे फ्लैट वॉन्ड वाले लिपस्टिक्स नहीं पसंद है इतनी, एंड मैंने फर्स्ट लिपस्टिक यूज़ की जिसमें ये फ्लैट वॉन्ड है. सो ये इसका पर ये वाला जो कलर जो है वो ये है, बहुत प्यारा ये ऑरेंज कलर है. अगर आप नो कुछ भी, अगर बहुत ज़्यादा अगर आप रेड लवर हो, डार्क लिपस्टिक लवर हो, तो ये वाली बहुत अच्छी रहेगी आपके लिए. नेक्स्ट है मेरा फेवरेट आजकल जो न्यूड है, फेवरेट जो मुझे अच्छा लग रहा है, ये है 20 समथिंग की लिपस्टिक, एंड इसका जो प्राइस है भैया, मैंने प्राइस थोड़ा सा बताना, मैं आपको यहाँ पे भूल गई. ये वाली जो थी इन कलर की, ये आई थिंक 150 समथिंग की ही है. एंड नेक्स्ट ये वाली जो मैंने आपको बताई थी, ये NYB की, ये आपको 100 रुपीज़ अराउंड मिल जाएगी. एंड ये तो मैंने आपको बता ही दिया था कि ये तो मैंने आपको बता ही दिया था कि 150 की है. या एंड हुदा की जो जितनी भी जो थी वो थी 100 समथिंग की, एंड ये 20 समथिंग की है, जो कि कफ्स एंड लैशेस पे आपको मिलेगी. वैनिधि कटिया उनका ये ब्रांड है, एंड ये मेरे को 125 रुपीज़ की पड़ी थी. एंड इसमें मेरा जो शेड जो है वो है शेड नंबर 3, दिख रहा है क्या, हाँ शेड नंबर 3. तो ये बहुत 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 ही प्यारा वाला न्यूड है. एंड मैंने जो ईद मेकअप ट्यूटोरियल जो किया था पार्ट 2, उसमें मैंने यही वाला शेड और एक कोई शेड दोनों मिक्स करके अप्लाई की थे, एंड ये बहुत प्यारा है. कहाँ दिखाऊँ, कहाँ दिखाऊँ, यहाँ पे दिखा देते हैं. ये ओवर पिगमेंटेड नहीं है, बट या यही क्वालिटी मेरे को इसकी अच्छी लगती है, क्योंकि प्रोडक्ट जो है वो वेस्ट नहीं जाता है. कैसी ये वाला कलर, बहुत प्यारा वाला कलर है ये. इधर भी मैं कहीं इसका स्वेच दूँ और नहीं हो सकता. इसका स्वेच कहाँ दिखाऊँ, यहाँ दिखा देती हूँ मैं आपको इसका स्वेच. ये देख सकते हैं कितना प्यारा, कितना प्रिटी कलर है. सैनोमैस कलर की बहुत प्यारा वाला कलर है, सी कितना प्यारा, बहुत प्यारा वाला ये न्यूड कलर है. देन है मेरे पास कुछ ये डार्लिंग इसाबेला की लिपस्टिक्स, जिसके ऊपर मैंने अपना एक अलग से रिव्यू शेयर किया हुआ है. नहीं देखा हो तो आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगी, एंड साथ ही साथ आपको
इसकी डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगी। तो या सो फर्स्ट शेड जो है मेरे पास है इसका शेड नंबर 3। स्वेच अब जब कर ही रही हूँ तो, एंड ये कुछ ऐसा ब्राउन कलर का शेड है ना, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में मैंने इसे एज अ कॉन्टोर भी यूज़ किया है। सो या दिखा देती हूँ आपको इसका स्वेच, ये ब्राउन काइंड ऑफ कलर है। एंड ये डस्की स्किन टोन जो है उसको बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है, एंड फेयर पर भी तो अच्छा लगेगा, लेकिन डस्की एंड डीपर कुछ ऐसे ही थोड़ा वॉश आउट करेगा, लेकिन डस्की स्किन टोन पे बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है, बहुत ज़्यादा। देन है मेरे पास शेड नंबर 4, एंड ये 4 एंड ये 4 जो है ये कुछ पिंकी कलर है। एंड यहाँ पर मैं आपको सा शेयर कर देती हूँ, यहीं शेयर कर देती हूँ यार। सो ये कलर है, ठीक है, ये शेड नंबर 4 है। एंड देन है मेरे पास शेड नंबर 5, एंड ये एक रेड कलर है। सो अगेन जिसको रेड कलर पसंद है वो इसे यूज़ कर सकते हैं, बट मैं वैसे रेड कलर की बिल्कुल भी फ़ैन नहीं हूँ, क्योंकि मैंने रेड कलर मुझे लगाना नहीं पसंद है, बट कुछ कुछ क्या है मुझे वीडियोस ऐसी करनी पड़ती है जिसमें मुझे रेड लिपस्टिक लगानी पड़ती है, क्योंकि न्यूड एंड पिंक सब लोग नहीं देखना चाहते हैं। सो या सो इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपने कलेक्शन में थोड़ी रेड लिपस्टिक जो है वो इंक्लूड करती हूँ। एंड देन मेरे पास है ये 15 नंबर शेड, एंड मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है। इसमें से मेरे पास जितने भी शेड हैं उसमें से मेरे पास ये कलर, क्योंकि ये वॉयलेट या मॉवी काइंड ऑफ कलर है, आपको स्क्रीन पे ही दिख रहा होगा। सो देख सकते हैं आपको पर्पल मॉव काइंड ऑफ कलर है, एंड ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। सो यार यही कुछ लिपस्टिक्स थी जो मेरे पास इस क्वारंटाइन टाइम में थी, एंड ये मेरा क्वारंटाइन लिपस्टिक कलेक्शन नहीं बड़ी ख़त्म होता है। लास्टली आई वांट टू शेयर समथिंग, सो ये गुड वाइब्स का लिप बाम। सो ऑफकोर्स जब हम लिपस्टिक्स की बात कर रहे हैं तो हम लिप बाम को तो भूल ही नहीं सकते। एक्चुअली मैं तो बिल्कुल नहीं भूल सकती हूँ, क्योंकि मैं हमेशा अपनी लिपस्टिक अप्लाई करने से पहले लिप बाम अप्लाई करती हूँ। चाहे मैं लिपस्टिक को छोड़ दूँ, लेकिन मैं लिप बाम को नहीं छोड़ सकती हूँ। सो या ये जो है ये मस्ट है, एंड ये क्वारंटाइन में मेरे पास यही एक लिप बाम है जो कि मुझे बहुत 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 ज़्यादा पसंद है, एंड बहुत टाइम तक ये अपने लिप्स को मॉइस्चराइज रखता है एंड टिका रहता है। सो यही था मेरा कुछ लिपस्टिक्स का कलेक्शन। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय। एंड या